पूजा हो गई, पूजा हो गई, सही है। एक मिनट, आपने पूजा कर लिया? हाँ कर ली। पूजा का पूरा थोड़ा ऐसे गिर जाएंगे, साइन छोड़ने नहीं। हाँ, ज़ूम कर। सर, आप यस। कैन यू प्लीज प्ले द म्यूजिक? कौन है? कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले गणपति बप्पा को याद करना बहुत बहुत जरूरी होता है, तो एक बार आप सब लोग मेरे साथ जयकारा लगाएं, बोल गणपति बप्पा। और इसी के साथ अब मैं अपने दोस्त को माइक दूंगा और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह के प्लेटफॉर्म आने चाहिए ताकि यंगस्टर के लिए बहुत सारा मौका मिलता है। हमारे जो सर और मैडम ने जो ये प्रोग्राम का शुरुआत की है, हम सभी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। ऑडिशंस के द्वारा सिलेक्शन हो और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है ना? फिल्म और शॉर्ट फिल्म वगैरह, इनके अलावा भी हम लोग कुछ रियलिटी शोज लेके आ रहे हैं, जिनमें से एक है आपका मिस्टर एंड मिस इंडिया। इसमें सर खासियत क्या है, अभी तक आप लोग जो कंटेंट होते हुए आ रहे हैं मिस्टर मिस इंडिया, नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट होते हैं, ऑडिशन होते हैं और फिनाले हो जाता है। हमारा एक रियलिटी शो है जिसके आपके करीब 25 सिटीज़ में ऑडिशन होंगे। ऑडिशन लेने होने के बाद में ये एक 30 मिनट का एपिसोड ही रहेगा, जो हर गुरुवार को टेलीकास्ट होगा आपको 9 बजे। तो जो ऑडिशन जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा अलग रखा हुआ है हम लोगों ने। अभी कोविड का टाइम है, तो कोविड का टाइम में क्या है, कभी पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन के अंदर क्या है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, आपके पास में एक OTP आएगा, OTP वहाँ सबमिट करेंगे आप, तो आपके पास आपका एक नंबर मिल जाएगा, उससे आपको अपना कोई भी एक मिनट का अपने एक ऑडिशन वीडियो बनाकर सबमिट कर सकते हैं। वो हमारी क्रिएटिव टीम रहेगी, उसके पास पहुंचेगा, उसके आधार पर ही ऑडिशन का हो गया। फिनाले है मुंबई में ही होगा, जनवरी सर। मुझे आपका 7-8 साल हो गए, अभी रिसेंटली मैंने फिल्म की थी बिक्रू कंपू गैंगस्टर, तो किसी वजह से आपको पता है विकास गजर की स्टोरी थी, वो तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ उसकी जो वाइफ थी वहाँ अदर साइड से, तो अभी सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो गए, फिल्म मेरी रिलीजन पर है। इस तरह अगर कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह हैं तो क्राइम अलर्ट वगैरह देखे हुए हैं, एज ए डायरेक्टर कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मेरे वीडियो सॉन्ग्स वगैरह है मार्केट में। आगे जीत है, और मैंने कुछ रोनाल्डो ने किया भाई, एक अपराधी था उसको लेकर हम लोगों ने फिल्म बनाई, बहुत सारी मुश्किलें भी आई, शूटिंग कर रहा था, शूटिंग के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आई थी मुझे, आप लेकिन फिर भी मूवी कंप्लीट की। एक केस वगैरह भी हुआ था हम लोगों पे, मेरा जो एडवोकेट था, हम लोगों ने फाइट की, उस केस को हम लोग जीते और फिल्म अब रेडी है रिलीज होने के लिए। कलाकारों के लिए, अपनी कला क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि यही तरह प्लेटफॉर्म बने, पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बने, नए चैनल्स आए, तो कलाकारों को और प्रोड्यूसर को तमाम लोगों को अच्छा काम करने का एक ही काम करने का मौका मिलता है।
हमारा चलो चलो चलो।